हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूँगी। ये है हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो स्किन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि हम हाइलुरोनिक एसिड को कैसे अपने स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें, कैसे उसका फ़ायदा उठाएँ, हमारे लिए हाइलुरोनिक एसिड सही है या नहीं है, बेस्ट हाइलुरोनिक एसिड कौन सा है, कैसे खरीदें, उसको क्या सही तरीका है अपनी स्किन में लगाने का, कितना परसेंट हाइलुरोनिक एसिड सही रहेगा, ये सिर्फ लगाने का ही आता है या इसमें और भी कोई तरीका है हाइलुरोनिक एसिड के फ़ायदे उठाने का, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ब्रांड्स जो मुझे अच्छे लगे हैं, जो वैल्यू फॉर मनी हैं, तो आप वो भी सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड क्या है। देखिए, आप सब ने कोलेजन के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो कोलेजन, इलास्टिन ऐसे फाइबर्स हैं जो हमारी स्किन में सब जगह प्रेजेंट हैं, और ये प्रोटीन्स हैं, और ये जिस मीडियम में प्रेजेंट होते हैं कोलेजन और इलास्टिन, उस मीडियम को हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड एक शुगर है जिसमें बहुत सारे कोलेजन इलास्टिन के फाइबर्स प्रेजेंट हैं, और वो कोलेजन इलास्टिन के फाइबर्स क्या करते हैं, कोलेजन और इलास्टिन हमारी स्किन में स्किन को टाइटनेस, फर्मनेस, उसकी इलास्टिसिटी, उसको बनाने में मदद करते हैं। तो ये तो कोलेजन इलास्टिन की बात हुई। अब हाइलुरोनिक एसिड का क्या फ़ायदा है? हाइलुरोनिक एसिड ये करता है कि हाइलुरोनिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब करता है। हाइलुरोनिक एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि हाइलुरोनिक एसिड का हर मॉलिक्यूल अपने से हज़ार गुना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से हाइलुरोनिक एसिड स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हाइलुरोनिक एसिड जब आप लगाएंगे अपने चेहरे पे, तो उससे स्किन मॉइस्चराइज्ड रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, सपल रहेगी, और स्किन में जो बहुत ड्राइनेस की वजह से या एज रिलेटेड हल्के हल्के फाइन लाइन्स और रिंकल्स आते हैं, वो भी कम होंगे। तो स्किन आपकी हाइलुरोनिक एसिड लगाने की वजह से बहुत हेल्दी रहेगी। तो अब क्या हाइलुरोनिक एसिड सिर्फ लगाने का ही अवेलेबल है मार्केट में? नहीं, हाइलुरोनिक एसिड अलग अलग तरह के आते हैं। आप हाइलुरोनिक एसिड को चेहरे पे लगा सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड ऐसे भी आते हैं जो आप खा सकते हैं, ये कोलेजन शॉट्स में आते हैं। अलग अलग तरह के हाइलुरोनिक एसिड हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, खाने में अपनी डाइट में ले सकते हैं, वो भी फ़ायदा करेंगे। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस भी आते हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है या जिनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, ऐसे लोगों में हम हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन भी चेहरे पर लगा सकते हैं, तो जल्दी रिजल्ट आएगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और ज़्यादा लंबे समय तक रिजल्ट रहेगा। तो अब ये तो बात हुई अलग अलग तरह के हाइलुरोनिक एसिड की। तो अब हमें कैसे पता चले कि क्या हाइलुरोनिक एसिड सही है, क्या परसेंट खरीदना है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। देखिए, हाइलुरोनिक एसिड एक इसका एक सॉल्ट है, सोडियम हाइलुरोनेट। तो अधिकतर बार जब आप खरीदेंगे कुछ हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्ट, तो उसमें सोडियम हाइलुरोनेट लिखा होगा, जो कि अपने चेहरे पे लगाने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा। तो अब सोडियम हाइलुरोनेट क्या है, ये जो सॉल्ट है, क्या ये ज़्यादा सही है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, जो हाइलुरोनिक एसिड आप लगाएंगे अपने चेहरे पे, वो एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। अगर वो स्किन में एब्जॉर्ब होके स्किन के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, तो वो कैसे अपना फ़ायदा दिखाएगा? तो अब कैसे हम डिसाइड करें कि क्या एब्जॉर्ब होगा स्किन में, कितना एब्जॉर्ब होगा, वो हमें समझना है। देखिए, हाइलुरोनिक एसिड अलग अलग मॉलिकुलर वेट्स में आता है। जितना ज़्यादा हाइलुरोनिक एसिड का मॉलिकुलर वेट होगा, उतना कम वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करेगा, और जितना कम मॉलिकुलर वेट होगा, उतना आसानी से वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करेगा। और पेनिट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अच्छे से पेनिट्रेट करेगा तभी तो वो अपना फ़ायदा दिखा पाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि कम मॉलिकुलर वेट वाले हाइलुरोनिक एसिड ही हमें खरीदने हैं? ऐसा नहीं है। आप जो सीरम खरीदें, उसमें कोशिश करें कि अलग अलग तरह के मॉलिकुलर वेट के हाइलुरोनिक एसिड हों। तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा, अलग अलग लेवल ऑफ पेनिट्रेशन होगी, और आप हर तरीके से उसका पूरी तरीके से अपनी स्किन में बेनिफिट उठा पाएंगे। तो सोडियम हाइलुरोनेट का क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि ये हाइलुरोनिक एसिड का ऐसा सॉल्ट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, और जिसकी वजह से उसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई समझने की। अगली चीज़ ये है
कि कितना परसेंट हमें खरीदना है, 2%, 4%, इतना सारा अलग अलग तरह का हाइलुरोनिक एसिड मार्केट में अवेलेबल है, हम कैसे डिसाइड करें। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जितना ज़्यादा परसेंट हाइलुरोनिक एसिड होगा उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगा। अब ये मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यूँ समझिए कि ये एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना वो आपकी स्किन में मॉइस्चर लेने के बजाय स्किन से मॉइस्चर ले लेगा, चूस लेगा मॉइस्चर, आप समझ रहे हैं। तो जो मॉलिक्यूलर वेट आप ले रहे हैं वो सही होना पड़ेगा, परसेंटेज 1% या 2% अच्छी रहेगी। आप ये ना सोचें कि जितना ज़्यादा हाई परसेंटेज का हाइलुरोनिक एसिड होगा उतना ज़्यादा मेरी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा परसेंटेज होगी तो वो और वाटर आपकी स्किन से एक्सट्रैक्ट कर लेगा बजाय कि स्किन के अंदर वो हाइड्रेशन करे, पानी और डाले। तो ये एक दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि 1% या 2% एक अच्छा डिसेंट परसेंटेज है हाइलुरोनिक एसिड का। अब अगली चीज़, हाइलुरोनिक एसिड को लगाने का सही तरीका, क्योंकि अगर आप उसको सही तरीके से लगाएंगे ही नहीं तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ऐसा ना हो कि हमें उसका नुकसान हो जाए। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अब ये समझते हैं। देखिए, हाइलुरोनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं? ह्यूमेक्टेंट वो होते हैं जो स्किन पे लगाने से वो स्किन की नीचे की परतों से भी वाटर एब्जॉर्ब करके स्किन में लाएंगे और एटमॉस्फियर से भी वाटर एब्जॉर्ब करके स्किन में लाएंगे, और इन दोनों तरीकों से वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे। तो अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कि उससे नुकसान हो सकता है अगर सही तरीके से ना लगाएं, वो देखते हैं। देखिए, आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाना है डैम्प फेस पे, स्किन थोड़ी डैम्प होगी, थोड़ी गीली होगी, थोड़ी वेट होगी, तो उस पे लगाएंगे हाइलुरोनिक एसिड, और उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है हाइलुरोनिक एसिड को सील करने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप डैम्प स्किन पे लगाएंगे तो वो वही वाटर एब्जॉर्ब करेगा जो डैम्प, जो स्किन पे थोड़ा वाटर है सबसे पहले वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एक फायदा हो गया। दूसरा, आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो एक तो ये मॉइस्चराइजर आपके हाइलुरोनिक एसिड को सील कर देगा, तो सील करने से क्या फायदा होगा कि ये नहीं होगा कि हाइलुरोनिक एसिड भी इवेपोरेट कर जाए और साथ में आपकी स्किन के सारे मॉइस्चर को भी ले जाए, तो ये नुकसान नहीं होगा। प्लस जो मॉइस्चराइजर आपने लगाया है उस मॉइस्चराइजर के अंदर भी वाटर है, तो वो मॉइस्चराइजर का वाटर भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें हर तरीके से हाइलुरोनिक एसिड का मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा। अब आप में से जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो सोच रहे होंगे तो मतलब हमारे लिए नहीं है हाइलुरोनिक एसिड, ये भी सोच गलत है। अब ये मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखिए, हाइलुरोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेट करता है, हाइलुरोनिक एसिड स्किन को ऑयली नहीं बनाता। चिपचिपा होने में, ऑयली होने में और हाइड्रेटेड होने में बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो जिसका मतलब है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी चांसेस हैं कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाइलुरोनिक एसिड सिर्फ उनके लिए है जिनकी स्किन ड्राई है। हाइलुरोनिक एसिड ऑयली स्किन वाले लोग भी लगा सकते हैं अगर आप सही तरीके से लगाएं। ये मैं अब आगे आपको समझाऊंगी कि कैसे आपने सही तरीके से लगाना है, एक बार इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, तो अब एक ये सब समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो चलो आपने लगा लिया डैम फेस पर हाइलुरोनिक एसिड और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लिया, तो क्या इतना इनफ है? ये इनफ नहीं है। अब ये क्यों कह रही हूँ? ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप एक ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, माने जहां आप रह रहे हैं जिस शहर में, जिस घर में, वहां पर अगर ह्यूमिडिटी सही नहीं है और एनवायरनमेंट ड्राई है तो भी आपका हाइलुरोनिक एसिड उतना असरदार नहीं होगा। ड्राई एनवायरनमेंट की वजह से सारा मॉइस्चर आपकी स्किन से इवेपोरेट होगा, हाइलुरोनिक एसिड भी इवेपोरेट होगा। तो ड्राई एनवायरनमेंट अगर है तो ये बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट ह्यूमिडिफाई किया जाए। तो ह्यूमिडिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप ऐसे शहर में रह रहे हैं, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ का हवा बहुत ड्राई है, तो हाइलुरोनिक एसिड लगाना भी ज़रूरी है, और साथ में, और आपकी स्किन भी बहुत ड्राई है, तो साथ में आप लगाएंगे एक मॉइस्चराइजर उसके ऊपर जो कि एक ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर हो। ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर्स क्या होते हैं? ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन के लिए होंगे, जैसे कि पैराफिन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। तो आपने डैम फेस पे हाइलुरोनिक एसिड लगाया, उसके बाद आप ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर की परत लगाएंगे जो कि पैराफिन बेस्ड मॉइस्चराइजर, जो पूरा ऑक्लूड कर देगी आपकी
स्किन को और जो आपका मॉइस्चर इवेपोरेट होने नहीं देगी। इसके अलावा अगर आप ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो कमरे में पानी का बोल रखें, तो जिससे धीरे धीरे कमरे की ह्यूमिडिटी ठीक होगी, या कमरे में ह्यूमिडिफायर रखें जिससे कमरे की ह्यूमिडिटी ठीक होगी। क्योंकि अगर आपके कमरे की एनवायरनमेंट, आपके घर के एनवायरनमेंट ड्राई है, एयर ड्राई है और ह्यूमिडिटी नहीं है, या आप पूरे दिन एयर कंडीशनर में बैठते हैं, या आपने सर्दियों में ब्लोअर हीटर चला रखा है, तो कमरे की हवा ड्राई होने से भी आप हाइलुरोनिक एसिड का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि भाई ड्राई स्किन वाले ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र लगाएं, जो काफ़ी अच्छे हैवी मॉइस्चराइज़र्स हैं और वो खुश भी रहेंगे इससे। पर ऑयली स्किन वाले क्या करें? तो ऑयली स्किन वाले डैम फेस पे हाइलुरोनिक एसिड लगाने के बाद क्या मॉइस्चराइज़र लगाएं जो कि इवेपोरेट भी ना होने दे लेकिन चिपचिपा भी ना हो, तो ये मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, तो अगर जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी ऑयली स्किन के लिए, मैं काफ़ी बार कहती हूँ कि सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन, सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे रहते हैं। ये एक फिल्म बना देते हैं स्किन के ऊपर कि जो ये लगने से आपका सनस्क्रीन भी आपने चेहरे पे लगा दिया, ये चिपचिपा भी नहीं लगेगा, बड़ी पाउडरी सी मैट सी फील देगा और आपका मॉइस्चर भी इवेपोरेट नहीं होगा। तो ये सिलिकॉन बेस्ड आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डॉक, आपने कई बार बोला है कि आपको सिलिकॉन बेस्ड मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन उतने पसंद नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन एक जो इनर्ट फिल्म बनाता है वो आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है, आप लंबे समय तक सिलिकॉन नहीं लगा सकते, तो उससे कई बार कॉमेडोन्स, ब्लैकहेड, व्हाइटहेड बनने के चांसेस हैं जब आपके पोर्स क्लॉग हो जाएं, और वो स्किन के सेल्स का टर्नओवर भी ख़राब करता है, कम करता है, तो डेड सेल्स पाइलअप होने लग जाते हैं। तो ये सब बातें मैं काफ़ी बार बोलती हूँ, तो फिर हम कैसे लगाएं सिलिकॉन का मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन, तो वो मैं बताती हूँ। देखिए, अब सिलिकॉन एक ऐसी चीज़ है जो ऑयली स्किन वालों के लिए एक ओक्लूसिव सी परत बनाएगी, तो हाइलुरोनिक एसिड का फ़ायदा अच्छा मिलेगा। तो लेकिन सिलिकॉन अगर नहीं लगाना, तो उन सब में से एक सिलिकॉन है डाइमेथिकॉन। डाइमेथिकॉन एक ऐसा सिलिकॉन है जो इन सब में से सबसे अच्छा है। तो जो अगर हम परेशानी में हैं, हमारी स्किन ऑयली है, हमें हाइलुरोनिक एसिड लगाना है क्योंकि स्किन डिहाइड्रेटेड भी है, तो आप डाइमेथिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स चूज करें। जो मुझे बहुत अच्छे तो कोई भी सिलिकॉन नहीं लगता, लेकिन हाँ, उन सब में से डाइमेथिकॉन काफ़ी अच्छा है, तो वो आप चेहरे पे लगाएं, तो आप हाइलुरोनिक एसिड का ऑयली डिहाइड्रेटेड स्किन में भी फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है ना, अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ वो हाइलुरोनिक एसिड जो खाने में अवेलेबल हैं, और उसके बाद मैं आपको इंजेक्टेबल हाइलुरोनिक एसिड बताऊंगी, और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी वो ब्रांड्स हाइलुरोनिक एसिड सीरम के जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं, अब देखिए, जब मैं बात कर रही हूँ खाने वाले हाइलुरोनिक एसिड की, तो बहुत सारे ऐसे अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिनमें कोलाजिन है, हाइलुरोनिक एसिड है, बायोटिन है, इसमें विटामिन सी है, कैल्शियम है, ये इतने अच्छे से फोर्टिफाइड हैं हर मिनरल के साथ और हर विटामिन के साथ कि ये इस तरह के आप सप्लीमेंट्स लेके अपनी स्किन और हेयर को बहुत फायदा दे सकते हैं। काफी जो जितने भी शॉर्ट्स कोलेजन के और हाइलुरोनिक एसिड के अवेलेबल हैं वो हफ्ते में 3 बार लेने होते हैं, और ये आप 2-3 महीने तक ले सकते हैं। देखिए, मैं काफ़ी बार ये चीज़ कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ को बहुत लंबा ना लें, क्योंकि आपकी स्किन को हर चीज़ की ज़रूरत है और आप हर चीज़ हर रोज़ तो नहीं ले सकते। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि जैसे आपने ये कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड के शॉट्स साल में 3 महीने ले लिए, 3 महीने आप एस्ट्राजेंथिन ले लें, 3 महीने आप जिंक ले लें या विटामिन सी ले लें, माने आप, या 3 महीने आप ओमेगा 3 ले लें, तो आप हर बार अपना मॉलिक्यूल चेंज करें जिससे कि आपको हर मॉलिक्यूल का फ़ायदा हो, किसी की ओवरडोज ना हो और आपकी स्किन और हेयर काफ़ी हेल्दी रहे। तो ये हाइलुरोनिक एसिड के जो शॉट्स अवेलेबल हैं, कोलेजन शॉट्स, ये आप ले सकते हैं, जो लेने से भी बहुत फ़ायदा होगा। इसको लेने से, ये कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने से स्किन और अच्छी रहेगी, और ये लेने से ये कुछ लेवल तक बहुत फ़ायदा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंजेक्टेबल हाइलुरोनिक एसिड की। तो हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो अगर किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड है, स्किन बहुत सैग कर रही है, स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन की ज़रूरत है, लिफ्टिंग की ज़रूरत है, और जिनको ज़्यादा परेशानी है या ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए, ऐसे लोगों के लिए हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड अलग अलग तरीके के इंजेक्शंस में आता है, नॉन क्रॉस लिंक्ड और क्रॉस लिंक्ड, दो तरह के हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। नॉन क्रॉस लिंक्ड जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो ज़्यादा होता है हाइड्रेशन के लिए,
ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा जल्दी और लंबे समय तक फिर ये हाइड्रेशन रहेगी अगर आप नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा कुछ ब्रांड्स ऐसे अवेलेबल हैं जैसे प्रोफिलो, ये नॉन क्रॉस लिंक्ड हैं, ये ना सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे साथ ही ये स्किन की टेक्सचर, स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, तो ये ओवरऑल भी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। तो ये तो हो गए नॉन क्रॉस लिंक्ड। अब दूसरी वेराइटी है क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस। क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस वो होते हैं जो जैसे कि ना केवल स्किन को हाइड्रेट करेंगे, सपल करेंगे, टेक्सचर इम्प्रूव करेंगे, बल्कि साथ में अगर स्किन की सैगिंग है, स्किन का वॉल्यूम लॉस है, तो उसको भी ठीक करते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के इंजेक्शन आते हैं जैसे कि यूवीडर्म के हैं, इसमें वॉल्यूमा है जो वॉल्यूम देगा स्किन को, ना सिर्फ हाइड्रेट ही नहीं करेगा बल्कि लिफ्टिंग और वॉल्यूम भी देगा। काफ़ी बार लोग कहते हैं कि एज के साथ साथ हमारे होंठ बहुत पतले हो गए हैं, लोग कंप्लेन करते हैं कि पहले जितना हम लिपस्टिक लगा पाते थे अब वो होंठ उम्र के साथ साथ पतले होने के कारण वो एरिया जो लिपस्टिक लगाने की स्पेस है वो कम होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों में भी हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगा के आपकी लिप्स की वॉल्यूम को ठीक किया जा सकता है। तो ये हो गए इंजेक्टेबल हाइलुरोनिक एसिड जिनके अपने अलग फ़ायदे हैं, थोड़ा इंस्टेंट रिजल्ट है और थोड़ा लंबे समय तक रिजल्ट चलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स की हाइलुरोनिक एसिड सीरम के जो मुझे पसंद हैं या जो मुझे पसंद नहीं हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो मुझे पसंद हैं उसमें एक तो है ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड। तो द ऑर्डिनरी के ब्रांड्स जो पांच अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है उसमें मैंने अलग वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। और ये द ऑर्डिनरी का ही हाइलुरोनिक एसिड आता है जिसमें 2% हाइलुरोनिक एसिड है और विटामिन B5 है। तो विटामिन B5 का क्या फ़ायदा है? विटामिन B5 जो भी और इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये एक द ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड 2% विद विटामिन B5 मुझे बहुत पसंद है। आप इसकी वीडियो डिटेल में देख सकते हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। अब इसके अलावा जो दूसरा ब्रांड मुझे पसंद है वो है न्यूट्रोजिना का हाइड्रा बूस्ट। न्यूट्रोजिना का हाइड्रा बूस्ट भी, मैंने न्यूट्रोजिना पर भी एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में न्यूट्रोजिना के टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। तो ये हाइड्रा बूस्ट सीरम ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी हाइलुरोनिक एसिड काफ़ी अच्छा है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब एक दो ब्रांड जो मुझे नहीं पसंद है उसके बारे में बता दूँ, ये भी मैंने पहले बात करी हुई है। तो ये है एस्टे लॉडर का ANR एडवांस नाइट रिपेयर सीरम जिसमें सोडियम हाइलुरोनेट है। ये मॉइस्चराइज करता है, ये अच्छा है और इसके ऊपर अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, लेकिन मुझे ये बहुत ओवर प्राइस लगता है, ये मुझे उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। तो फिर भी अगर आप एस्टे लॉडर एडवांस नाइट रिपेयर के फ़ैन हैं तो वो आप, अगर वो आपकी स्किन को फ़ायदा कर रहा है तो वो आप लगाते रहें, क्योंकि स्किन में जो सूट कर गया वही सही है, जो हमारी स्किन को नरिश करे, हाइड्रेट करे, सफल रखे और जो हमारी स्किन को और बेहतर कर सके वही प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए सही है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। ये वीडियो देखने के बाद आप सही हाइलुरोनिक एसिड अपने लिए चूज कर पाएंगे और उसे सही तरीके से लगा पाएंगे, सही तरीके से अपने स्किन के रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नहीं फॉलो किया है तो उसे भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं अलग अलग तरह की रील्स और वीडियोज़ बनाती हूँ जिसमें कंटेंट थोड़ा अलग तरह का होता है, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।